हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो है फेंग शुई पे, और आज मैं आपके साथ मेरी टॉप 5 फेंग शुई टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सो टिप नंबर 1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन योर क्लटर फ्रॉम योर हाउस। आप अपने घर में जितने भी अनयूज थिंग्स है जो आपके यूज नहीं आ रही है काफी टाइम से, चाहे वो मोबाइल फोन्स पड़े हैं, चाहे वो बंद पड़ी घड़ियां हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, जो भी अनयूज थिंग्स है जिससे आपका घर भरा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अपने घर से रिमूव कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को स्टोर करती है और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता है। सो मेरी फर्स्ट टिप है, क्लीन योर क्लटर फ्रॉम योर हाउस। टिप नंबर 2 है, आप अपने मेन डोर को क्लीन रखिए। यस, आपका मेन डोर जितना क्लीन होगा, जितना सुंदर दिखेगा, उससे आपके घर में उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप अपने मेन डोर के बाहर एक सुंदर नेम प्लेट लगाइए, जो कि नेम प्लेट बहुत सुंदर तरीके से बना हो या सुंदर पेंटिंग हो। मीन्स जितना आपका मेन डोर सुंदर होगा, उतने आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जितने आपके मेन डोर के बाहर साफ सफाई होगी, उतने आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। टिप नंबर थ्री है, प्लेस रेड मैट इन फ्रंट योर मेन डोर। आप अपने मेन डोर के आगे रेड मैट प्लेस करेंगे, तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। रेड मैट यानी रेड कलर का मैट आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को रोकेगा। कहते हैं फेंग शुई के अकॉर्डिंग, रेड मैट आपके घर में वेल्थ को बढ़ाता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आपकी वेल्थ को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो ये था मेरा टिप नंबर 3। नेक्स्ट है टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 है विंड चाइम्स। यस, आप अपने घर में विंड चाइम प्लेस करें, और आप विंड चाइम को अपने लोबी एरिया या फिर आपके लिविंग एरिया में ही लगाएं। ऐसी जगह लगाएं जहां से विंड का फ्लो होता हो, ताकि जब भी विंड चाइम की तरफ से जाएगी, तो विंड चाइम से एक बहुत ही प्यारी साउंड आएगा। वो साउंड आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालेगी और पॉजिटिव एनर्जी लाएगी। टिप नंबर 5 है, प्लेस क्रिस्टल्स या क्रिस्टल से बनी हुई चीजें आप अपने घर में प्लेस करें, चाहे वो क्रिस्टल लोटस हो। फेंग शुई में लोटस क्रिस्टल के बहुत ज्यादा वैल्यू कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल से बनी हुई चीज़ें। तो आप फेंग शुई के अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, आप क्रिस्टल लोटस क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं, या क्रिस्टल से बनी हुई कोई भी चीज़ आप अपने घर में प्लेस करिए। फेंग शुई के अकॉर्डिंग क्रिस्टल से बनी चीज़ें आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती है और पॉजिटिव एनर्जी लाती है। सो ये थे मेरे टॉप फाइव फेंग शुई टिप्स। होप इट विल वर्क फॉर यू। एंड और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।